वित्त विभाग द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना व ओटीएस योजना को शुरू किया गया है। साथ ही इस योजना का लाभ पाने के लिए जनसेवा केंद्रों से लेकर बिजली घरों तक उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह चौराहा स्थित विद्युत विभाग एसडीओ कार्यालय मंझोला पर मौजूद रहे एसडीओ दीपक कुमार द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का लाभ देने जा रहा है। इस योजना के लिए गांव-गांव और मोहल्ले मोहल्ले कैंप लगाकर विद्युत उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। जनमानस से उन्होंने अपील भी की कि सभी उपभोक्ता समय रहते इस योजना का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। योजना लाई गई है, क्या है योजना और क्या अपील करना चाहेंगे जनमानस? जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के नाम से ओटीएस जिसको बोलते हैं ये लाई गई है, जिसमें आपको 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसमें जो छूट है वो 31 जनवरी 2021 तक का जो भी बकाया है उस पे जो सरचार्ज लगा हुआ है उस सरचार्ज की 100% माफ हो जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि 31 जनवरी 2021 तक जो भी बकाया है उसका उसमें सरचार्ज माफी के बाद का जो 30% अमाउंट है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद का शेष अमाउंट जो है वो 31 मार्च तक पूरा का पूरा जमा करना पड़ेगा। कैसे उपभोक्ता को इसका योजना का लाभ मिलता है? जी, ये दो कैटेगरीज में जो उपभोक्ता हैं हमारे, LMV1 जिसमें कि घरेलू उपभोक्ता आते हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों, और LMV5 जिसमें कि प्राइवेट ट्यूबवेल जो हैं ये उपभोक्ता आते हैं। जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे इस योजना को लेकर? जी, हम अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से ये अपील करना चाहेंगे कि वो अपने जो विद्युत बकाया उनका है उसका भुगतान करके सरचार्ज माफी का पूर्ण लाभ उठाएं और विद्युत बिल का अपना पूरा का पूरा समाधान कराएं, जिससे कि आने वाले टाइम पे उनको अनवरत विद्युत का इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित खंड कार्यालय या संबंधित उपखंड कार्यालय SDO ऑफिस इसको बोलते हैं, और या तो UPPCL की साइट पे जाके जो upenergy.co.in है, upenergy.in के नाम से है, वहाँ पे भी आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या अपने पास के कोई भी CSC सेंटर जो है वहाँ पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं।